Hello students, so till now we have discussed about mean and median in this chapter statistics. Now we will discuss about mode. Mode is also the measure of how to measure the central tendency of the data, group of data, or if we collect the discrete data or if we arrange them in series, whatever may be the type of the data. We discussed about the central tendency, then we will use either mean, median or mode. It's up to us, or for our convenience we will choose any one of the method. That will be the procedure. So mode, what is the mode? Mode is the value of variable for which the frequency is maximum. So mode is nothing but the value of variable which occurs most of the times. That will be your mode. This is related to the if you select some randomly, if you put some random data and then if you find out that a particular data occurs maximum number of times, then that will be the mode of that group of discrete data. So this is the way to identify the mode. So mode basically क्या है, जो number और जो frequency है वो maximum आए, वो आपका क्या रहेगा, mode रहेगा. So जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो इन द क्लास 9th. सो बस एक क्विक रिवीजन रहेगा इस सब चीजों का, बिकॉज यहीं से आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है और यहाँ तक आप पहुंचते होते हैं जो आपका 10th का पोर्शन है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलना है कि आपको मोड आइडेंटिफाई करना है. ये सब आपको डिस्क्रीट डाटा गिवन है, तो डिस्क्रीट डाटा से मोड को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है. ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है. टेबल किस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से. तो आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, एक टेबल बनानी रहेगी जिसमें आपकी फर्स्ट रो आपकी रहेगी वेरिएबल के रिगार्डिंग. तो यहाँ पे आप वेरिएबल बनाओ, तो आइडेंटिफाई करो कि वेरिएबल कितने टाइप्स के हैं. ठीक है, तो वेरिएबल का टाइप क्या है आपका, देखो यहाँ ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 110 से. तो फर्स्ट आपका वेरिएबल रहेगा 110, सेकेंड आपका 120 है तो 120 रख दो, थर्ड आपका 130 है तो 130 रख दो, और नेक्स्ट है 140. ये आपके 4 टाइप्स ऑफ डाटा इसमें, और आई कैन से वेरिएबल आपके 4 टाइप्स के वेरिएबल. सेकेंड जो कॉलम बनेगा वो आपका बनेगा फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, वेरिएबल बन गया, फ्रीक्वेंसी बन गया, बस सारा क्या इसी पे ही है, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी पे ही है आपका. तो फ्रीक्वेंसी को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर नंबर occurs और how many times a particular number happen. ठीक है, तो कितने टाइम आपका 110 आ रहा है, तो 110 आपका देखो कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2 टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, 110 के नीचे 2. तो इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी रहेगी. तो 110 के नीचे लिखोगे 2. नाउ कम टू 120. 120 आपका कितने टाइम्स अकर हो रहा है, देखो 121 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स. तो 120 के नीचे लिखोगे 4. Now next move to 130. 130 आपका देखो कितने टाइम्स अकर हो रहा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स. तो यहाँ पे लिख दोगे 2. 140 कितने टाइम अकर हो रहा है, ये एक आपका और एक ये 2 टाइम्स अकर हो रहा है, तो ये 2. तो टोटल आपका देखो कितना अभी 10 है. क्या ये 10 डाटा है क्या, 3, 6 और 10. ठीक है, दैट मीन्स अपना टेबल है वो आपका कंप्लीट हो गया. तो आपका ये प्रोसीजर रहेगा जब आपको डिस्क्रीट है वो दे रखे हैं, डिस्क्रीट डाटा दे रखे हैं. अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि इस टेबल में आपको वो नंबर देखना है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही आपका क्या होगा, मोड होगा. मोड होगा, ठीक है, क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. किसके लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, आप देखोगे बाकी 3 नंबर के लिए 2 है, बट इसके लिए 4 है, और ये कौन सा नंबर आपका 120 है. तो वो जो वेरिएबल है वही आपका क्या बन जाता है, मोड बन जाएगा. तो इस क्वेश्चन के लिए आपका मोड का वैल्यू कितना होगा, 120. ये आपको क्या हो गया आंसर. सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर विल बी 120. ठीक है, बिकॉज 120 है वो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ही अकर हो रहा है. नाउ गो टू सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इस केस में आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25. इस केस में आपको मोड का वैल्यू दे रखा है, जो आपने ऐसे फाइंड आउट किया उसका वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखा है कितना, 25. एक्स कहाँ है आपका, इसमें कोई एक डाटा है वो मिसिंग है और वो मिसिंग डाटा आपका क्या है, एक्स है। तो वो एक्स का वैल्यू आपको बताना है, इस तरीके से एक्स का वैल्यू को बताना है कि आपका मोड क्या बने, 25 ही बने, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या करोगे, वापस इसकी तरह टेबल बनाओगे, जो आंसर टू सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, बिल्कुल इसी की तरह। पहले वेरिएबल रखो, तो वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू आएंगी, जो डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज है उन सबको अरेंज करो। तो पहला शॉर्टेस्ट वैल्यू कौन सा आपका, जो स्मॉलेस्ट है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 14, सो आप 14 यहां रखोगे। नेक्स्ट इज 15, आई कैन सी 16 एज वेल, 17 नहीं दिखाई दे रहा, 18 दिखाई दे रहा है, 19 नहीं 20 दिखाई दे रहा है, सो 20 लिख दो। फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 20 के बाद 22 नहीं है, सीधे ही आपको दिखाई दे रहा है 25, तो 25 लिख दो। तो इतने टाइप के आपके वेरिएबल है। अब वेरिएबल्स में देखो ये एक एक्स भी है, अब मेरे को नहीं पता एक्स क्या है, वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो बताऊंगा अभी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहता है कि कितने टाइम्स एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो 14 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, ओके, तो 14 1 टाइम अकर हो रहा है, तो 1 टाइम रख दो। 15 देखो, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 टाइम्स रख दो। 16 1 टाइम, ओके 1 टाइम ही है, तो 16 का 1 आएगा। 18 है आपका 1 2 और यहाँ पे 3, तो 18 आपका 3 टाइम्स है। 20 देखो आपका कितना टाइम्स है, 20 आपका 1 2 और यहाँ पे भी है, तो 3 टाइम्स। 25 देखिए, 25 आपका 1 टाइम, 2 टाइम्स और ये भी आपका 3 टाइम्स है, तो 25 आपका 3 टाइम्स। सारे डाटा कंप्लीट हो गए, एक बच गया आपका, वो कौन सा है, एक्स है। अब उस एक्स का रोल क्या होगा वो ढंग से समझो आप। इसने बोला है कि एक्स का वो वैल्यू बताओ, एक्स का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए इन ग्रुप ऑफ डाटा का मोड क्या बने, 25 बने। मोड बताओ क्या होता है, मोड का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा है। इसमें देखो कौन सा नंबर है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा है, 3 3 3 3, इतने नंबर 3 3 टाइम्स अकर हो रहे हैं। उसने बोला है कि 25 क्या रहना चाहिए, मोड रहना चाहिए। 25 मोड कब होगा, जब यहाँ पे 3 की बजाय क्या है, हायर नंबर है, ठीक है। अदरवाइज तुम बोलेंगे 15 भी तो हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, बट क्वेश्चन ने आपको फिक्स कर दिया कि 25 ही इसका मोड है। 25 मोड है, दैट मींस क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बाकी मतलब इनसे क्या होगी, हायर होगी। और हायर कब होगी, जब आपका जो x है वो आपका क्या बन जाए, ये जो x है वो आपका क्या बन जाए, 25 बन जाए, ठीक है। तो वो जो x था ना आपका, दिस मस्ट बी 25, सो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बन जाएगा, 3 प्लस 1 कितना बन गया, 4 बन गया। और जैसे ही 25 का 4 बना, आप बोलोगे कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर 25 विल बी द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिल गया, 25 मिल गया। x ही वो नंबर है जो डिसाइड करेगा कि मोड इसका 25 होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन ने बोला मोड 25 ही है, देयरफॉर आपका x क्या होना चाहिए, मस्ट है कि 25 ही हो। तो होपफुली आप समझे होंगे कि इस क्वेश्चन का बेसिक क्या मतलब था। तो x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से x विल बी 25, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया फॉर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 2 क्वेश्चन बनाने थे, ठीक है। ये कब है, जब आपको डिस्क्रीट डाटा गिवन है, मतलब ऐसे एक सेलेक्टिव इंडिविजुअल डाटा है वो आपको गिवन है, तब आपको मोड बताना है। तो मोड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड में आपका क्या रहेगा कि एक जो डाटा है ना उनका एक ग्रुप बन जाएगा कहीं, और जिस जगह वो ग्रुप ज्यादा दिखे आपको वो आपका क्या बन जाएगा, वो वेरिएबल आपका मोड बन जाएगा, ठीक है। इट इज ए क्लस्टर, मतलब एक क्लस्टर बन जाता है ना, तो वो ग्रुप है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। होपफुली बेसिक मतलब मोड का समझे, क्या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, या फिर आप जब देखो मतलब ऑब्जर्व करो आप, तो आपको दिखे कि एक क्लस्टर दिखे आपको, जो क्लस्टर क्या है बाकी क्लस्टर से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। वो क्लस्टर आपका क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। ये कब रहता है, जब डिस्क्रीट डाटा है। अब मूव करते हैं, आगे देखो मैंने एक वर्ड मेंशन कर रखा है कंपटीशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग। तो बाय ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, इस टाइप के में कब मूव करते हैं हम। देखो इसमें भी आपको डाटा तो डिस्क्रीट ही गिवन है, बट बाय ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब देखो यहाँ पे ये है कि जब अगर मैं मोड फाइंड आउट करने जाऊं, है ना, जब मैं मोड फाइंड आउट करने जाता हूं तो कभी कभी क्या रहता है कि आपके डाटा है वो एक साथ आ जाते हैं। जैसे यहां पे था आपका, इस क्वेश्चन को फिर समझना, 20 और 25 लेट से यहाँ पे देखो हर एक का ये 3, 3, 3 और 3 आ रहा है ना, इस तरीके से आपके आ रहे हैं। तो जब आपका ऐसे रहता है कि कंपटीशन हो गया कि जो वेरिएबल्स हैं वो पास पास में अकर हो रहे हैं। लेट से मान के चलो कि यहाँ तो कम ही डाटा है अपने की 3 टाइम्स ही आ रहा है। लेट से कि कुछ नंबर है वो आ रहे हैं, जैसे 60 टाइम्स आ रहा है या कोई 100 टाइम्स आ रहा है ना। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया कि 3 वेरिएबल ऐसे आ रहे हैं जो ऐसे आ रहे हैं आपके पास 100 टाइम्स, 101 टाइम्स या 102 टाइम्स। तो अब आपको वहां पे श्योर शॉट आइडिया नहीं होता कि यही मेरा मोड होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जब नंबर ऑफ डाटा है वो लार्ज होते हैं ना, तब अपने को कभी कभी आइडिया नहीं लगता है कि इसका मोड क्या होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं ना, उनकी ग्रुपिंग करके ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा जो मैं फाइंड आउट करवाना चाह रहा हूँ वही मेरा मोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कई बार आप देखोगे कि जब ग्रुपिंग से इस क्वेश्चन को बनाते हो ना तो आपको विजिबल होता है कि मोड तो ये होना चाहिए बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बट कई बार वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पास वाले के पास शिफ्ट हो जाती है। ये क्यों होता है, देखो होता क्या है कि लेट से यहाँ पे देखो काफी नंबर है ना। अब मान के चलो कि जैसे इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है आपकी 22 की है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, मोड होना चाहिए। डेफिनेशन से तो यही है ना, तो ये मोड होना चाहिए। बट इसके पास देख रहे हो आप क्या आ रहा है, इधर 21 आ रहा है। तो हो सकता है ना कि जो इधर वाले जो डाटा है वो नंबर ज्यादा हो और इधर वाले डाटा है वो कम हो। क्या कहने का क्या मतलब है मेरा कि इधर जब मैं ऐड करूं ये सबको तो वो लेट से कि मान के चलो 50 आ रहा है, ठीक है, मान के चलो कि 50 आ रहा है। तो इधर से मैं ऐड करने पे लेट से कि वो आ गया आपका 51 या 52 आ गया। तो क्या होगा, वो डाटा है वो जो सेंट्रल टेंडेंसी है, ये सब क्या है सेंट्रल टेंडेंसी, जो मिड वैल्यू है उसको बताने की कोशिश करते हैं सारे के सारे। तो सेंट्रल टेंडेंसी बताओ, एक साइड 50 है, एक साइड आपका 52 है, किसकी तरफ ज्यादा झुकेगा, वो 52 वाली की तरफ झुकेगा ना। तो उस केस में आपका मोड क्या हो जाता है, कभी कभी चेंज हो जाता है। तो उस कभी कभी कंडीशन आ जाती है, वो मे बी कंडीशन है ना, उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, बाई ग्रुपिंग मेथड है वो स्टडी करते हैं। चलिए तो 1 by 1 करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, इसको बनाना कैसे है ना। ये थोड़ा सा है ना लेंथी प्रोसेस रहता है आपका, ठीक है, बट ये दोनों मेथड आपके लिए जानना जरूरी है बिकॉज जो आपका 10th का पोर्शन है ना इसमें ये दोनों के दोनों मेथड है। कुछ जगह आप सिंपल ऑब्जर्वेशन से मोड आइडेंटिफाई कर लोगे और कुछ जगह आपको बाय ग्रुपिंग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। अब उसमें देखो क्या रहेगा, इसमें कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं आपको। वो कॉलम देखो सबसे पहले क्या रहेगा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले वेरिएबल का कॉलम x, क्या क्या वेरिएबल है वो फटाफट लिख दीजिए आप लोग। तो लेट से आपके 95 से लेके 175 तक है ना, तो ये 95, 105, ये हो गया आपका वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना। तो 175 तक आपने बना लिया। इस तरीके से आपका पहला कॉलम बनेगा। ध्यान से सुनना, ये एल्गोरिदम्स है, काफी लेंथी है, तो उस चीज को ढंग से सुनते रहना आप लोग, ठीक है। 2 टेबल बनेंगे आपकी। पहली टेबल बनती है जो मैं बना रहा हूँ वो, सेकंड टेबल आपकी बनेगी आप एनालिसिस क्या कर रहे हो ना, वो एनालिसिस टेबल आपकी अलग होती है। दोनों टेबल अपन बनाएंगे। तो पहले क्या करोगे, वेरिएबल रख दिए। अब देखो, अब जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना वो सेकंड कॉलम में वैसी की वैसी ही रख दो। तो लेट से यहाँ पे आप इसको बुला सकते हो, कोई कॉलम नाम दे दो इसको ना, तो लेट से ये आपका C1 नाम दे दो इसको, ठीक है। तो कॉलम 1 में आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वही रखनी है आपको। जैसे 4, 2, 18 आपका 22 हो गया, ये 22 है, 21, 90, 10, 3 and 2। ये मैंने क्या कर दिया, कॉलम 1 बना दिया। कॉलम 1 आपका क्या है जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उनको रख दिया। अब देखो आगे यहां से आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है और उसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या रहेगा। अभी ये हो गया सिंगल फ्रीक्वेंसी है ना, उनको एक एक बार रख दिया मैंने। अब क्या करोगे, ग्रुप बनाओगे। कितने का? 2-2 का। 2-2 के दो ग्रुप बनेंगे। कैसे? जब पहली बार फर्स्ट से इंक्लूड करना स्टार्ट कर दूंगा तो एक ऐसे इंक्लूड किया, ऐसे इंक्लूड किया, मतलब दो दो का ग्रुप बनाना है। ऐसे दो, ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, लास्ट में बच गया ना, ये बच गया, उसको भी इंक्लूड करना है आपको, ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, बिकॉज इसका भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो क्या करोगे, नेक्स्ट केस में जो कॉलम 3 बनेगा उसमें आप ये छोड़ दोगे और इन दो का फिर ग्रुप बनाओगे, तब ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कॉलम 2 में मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा दोनों को। तो किस किस को ऐड करोगे, इन दो को। कितना आएगा, 6 आएगा। और वो लिखना आपको ऐसे मिड में, दोनों के मिड में लिख देना, ताकि क्या बोले कि 6 किन से बन रहा है, इन दो से बन रहा है। ठीक है ना, 6 इन दो से बन रहा है। सिमिलरली 18 और 22 बन जाएंगे आपके 40, ये दो इनसे बन रहा है। ये कितना बनेगा, 21 और 19, ये भी 40 बनेगा ना, तो ये आपका ऐसे आ गया। फिर देखो आगे ये आपका क्या आ रहा है, 10 और 3 आ रहा है, तो 10 और 3 कितना बनेगा, 13 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। अब ये तो रह गया, तो इसको रहने दो। ये कॉलम सेकंड होगा, कॉलम थर्ड भी मैं बना ही देता हूं आप लोगों का। तो कॉलम 3 में देखिए आप लोग क्या करोगे, कॉलम 3 में अब पहले को छोड़ दो और इन दो का बनाओ, तो ये कितना आएगा, 20। 18 और 2 विल बिकम 20। ऐसे ही आपका ये इंक्लूड हो गया। अब इसमें और इसमें कितना आएगा, 43, ये हो गया। अब इन दो का तो 19, 29 बन जाएगा, और इन दो का कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये कब बना, जब आपका 2-2 वाला है वो मैंने बना दिया आपका। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इन सबको और ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो वो क्या रहा है एक्चुअल में। अब आप बनाओगे कॉलम 4। ठीक है, कॉलम 4 में आप क्या करोगे, वो ध्यान से सुनना। कॉलम 4 में आप ऐड करने वाले हो 3-3 का। अभी तक 2-2 का था, अब क्या करोगे, 3-3 का। 3-3 में कैसे करोगे, पहले इन 3 का ऐड कर लो, फिर इन 3 का ऐड करो, और फिर इन 3 का ऐड करो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो बताओ कितना कितना बनेगा, 4 to 6 और 18 will become 24, तो 24 लिख दो यहां के बीच में, ऐसे 24 आ गया। फिर इन 3 का ऐड करोगे आप, तो कितना बनेगा, ये देखो 40, 62 बन गया, तो ये आपका 62 आ गया। फिर इन 3 का ऐड करोगे, नहीं ये 3 ऐड होंगे, तो ये आएगा आपका 15, तो ये 15 रख दिया मैंने। इस तरीके से आपका 3-3 का ऐड हो गया। अब क्या करोगे आप, इस एक को छोड़ दोगे। ठीक है, बाकी 3-3 का ऐड करोगे। तो बताओ कितना बनेगा, ये 3 का ऐड करोगे आप इन 3 का, तो कितना बनेगा, 22 और 18, 40 और 2, 42। ये आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा। यहां तक आपको मेहनत करनी ही रहेगी। तो नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा, दैट विल बी 42 है ना, तो 42 यहां ऐसे रखोगे। फिर आप इन 3 का ऐड करोगे, तो कितना बनेगा आपका, ये बन गया 40 और 10, 50 बन गया, तो यहाँ कहीं 50 लिख दीजिए आप। ठीक है, मिड में लिखने की कोशिश करना, हालांकि जो रीड कैसे करना वो बताऊंगा अभी आपको। अब नेक्स्ट आपका कॉलम रहेगा कॉलम 6। ठीक है, तो कॉलम 6 में आप क्या करोगे कि पहले मैंने क्या किया, इस कॉलम में मैंने क्या किया था, इस वाले में कि पहले 3 को ऐड किया, नेक्स्ट कॉलम में मैंने क्या किया, इस एक को छोड़ दिया, फिर आगे से स्टार्ट किया 3-3 का। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करोगे, इन 2 को छोड़ दोगे, यहां से स्टार्ट करोगे। अब 3 का ऐड करो, कितना रहेगा, 22, ये बन गया 40 और ये 21, 61 बन गया, और इसको लिखना इसके आसपास, तो 61। कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब आगे ऐड करना है इन 3 नंबर को, तो यहां से कितना आएगा, 22 और 10, 32, तो यहां कहीं आप 32 लिख दो। ये हो गया आपका किसका ऐड है, 3-3 का ऐड। तो पहले क्या करना है, 3 नंबर को ऐड करो, फिर पहले को छोड़ दो, फिर पहले 2 को छोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां तक टेबल बनानी है। इस तरीके से आपका टेबल बन गया ना, तो ये आपका एक टेबल है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका एक टेबल है वो कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं अपन कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एनालिसिस टेबल देखो आप बनाते कैसे हो वो देखिए। तो एनालिसिस टेबल में आप क्या करोगे, ध्यान से देखना ना, इस साइड आपका क्या आएगा, कॉलम नंबर लिखोगे। तो कॉलम नंबर कितने हैं, C1 से लेके C6 तक। तो C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6, ये कॉलम आपको बना गया है। ठीक है, और एक रो बनेगी आपकी इस साइड। उस साइड में क्या लिखोगे, आप X लिखोगे। तो क्या क्या आएंगे, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165 एंड 175। इस तरीके से एक आपको ये बना देनी है। तो ये आपकी रो में क्या आएगा, वेरिएबल आ जाएंगे सारे, और ये कॉलम हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब मार्क करने स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, देखो मार्क क्या करोगे, कॉलम वन में उस नंबर को सर्कल कर दो जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या आपकी हाईएस्ट है। तो बताओ कॉलम वन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये है 125 की। तो ऐसे सर्कल कर दो। कॉलम टू में क्या कर दो, हाईएस्ट नंबर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको सर्कल कर दो। तो इसमें आपकी 2 आ रही है, तो दोनों को सर्कल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 3, कॉलम 3 में आप क्या करोगे, हाईएस्ट कौन सी है, 43, तो 43 को सर्कल कर दो। नेक्स्ट में कौन सी है, 62, तो 62 को सर्किल कर दो। 50, तो 50 को सर्किल कर दिया, और 61, तो 61 को सर्किल कर दिया। ये आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं उनको सर्किल कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, ये सर्किल कर दिया। अब आप लोग यहाँ पे वो लिखना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, कॉलम वन में ऑब्जर्व करो कि कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, उस नंबर के नीचे एक खड़ी लाइन रख दोगे आप ऐसे। ठीक है, तो चेक करो कौन से है, 22 किसकी, 125, तो 125 के नीचे एक ऐसे ये लाइन बना देनी है आपको ऐसे। ठीक है, नाउ मूव टू कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 में आप चेक करो कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो आप देखोगे कॉलम 2 में 40 किसकी है, 115 और 125 दोनों की है। तो ये फ्रीक्वेंसी आप क्या करोगे, मार्क करोगे, किसमें, दोनों के नीचे। ध्यान रखना जब भी आपका 40 है और ये दोनों के लिए आ रहा है इसमें, क्यों, क्योंकि इन दोनों का ऐड होकर आपका 40 बन जाएगा। इसलिए क्या करोगे, इन दोनों नंबर पे वो मार्क करोगे आप। तो ये आपका आ जाएगा किस पे, 115 पे और 125 पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो कॉलम 3 में आपको क्या करना है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी आपकी, 43 है। तो 43 किन से बनता है, 43 आपका बना था, आई थिंक इन 3 से बना था ना, नहीं इन 3 से नहीं बना था, 43 बना था इन 2 से। तो इसमें कौन सा आपका, 125 और 135 के नीचे मार्क करोगे। तो 125 और 135 के नीचे मार्क कर दिया कॉलम 3 के लिए। कॉलम 4 के लिए देखो क्या है आपका, 62 किन से बनता है, इन 3 नंबर से। और इन 3 नंबर में क्या क्या आ रहा है आपका, 125, 135 और 145, तो तीनों के नीचे मार्क करोगे ऐसे। हो गया मार्क ऐसे। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कॉलम नंबर 5। 5 में देखो 50 किसकी वजह से बन रहा है, 50 आपका बन रहा था इन 3 की वजह से बन रहा था क्या, 40 और 50, तो किसकी वजह से बन रहा है, इन 3 नंबर की वजह से, 135, 145 और 155। तो 135, 145 एंड 155 ये आपके आगे 3 नंबर। नाउ मूव टू 61 किस की वजह से बनता है आपका, 61 बना था आई थिंक इन 3 की वजह से, है ना, 20, 40, 50 और 60, 61। तो इन 3 नंबर में क्या आ रहा है आपका, 125, 135 और 145। तो 125, 135 एंड 145 ये आपके हो गए मार्किंग सिस्टम से। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी फ्रीक्वेंसी आपको मार्क कर देनी है, और जिस फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे ये खड़ी लाइन हो सबसे ज्यादा है वही आपका क्या बन जाता है, मोड बन जाता है। तो बताओ इसमें किसके नीचे सबसे ज्यादा है, ये है आपकी 125 के नीचे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। देखो क्यों, बिकॉज इसमें खड़ी लाइन कितनी आ रही है, 3 to 5 आ रही है, 135 हो सकता था बट इसके नीचे कितनी आ रही है 4 ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस चीज को मेजर करना है। ठीक है, क्या करना है, जो भी आपकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनके नीचे उस हिसाब से माप करना है। ठीक है, तो कॉलम 1 में आपका 125 के नीचे 125 के नीचे आपने माप कर दिया। इसमें 2 में 40 और 40 दोनों है। अच्छा यहाँ पे दो है ना, दो फ्रीक्वेंसीज हैं तो क्या रहेगा आपका, दोनों के नीचे रहेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस किस के नीचे रहेगा, 135 एंड 145 के नीचे भी आएगा। तो 135 एंड 145 के नीचे भी ये फ्रीक्वेंसीज आएंगी। अब आगे मूव करते हैं, 43 में किसके लिए आया था, इन दो से, तो 125 को और 135 मैंने कर दिया। 62 में इनके नीचे, तो यहाँ पे मैंने 3 के नीचे कर दिया। 50 इन 3 की वजह से आया था तो वहां पे 3 के नीचे, और 61 आपका इनसे आया था तो वहां पे मैंने मार्क कर दिया। इस तरीके से आपको मेजर करनी है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपका 135 भी आ रहा है, 125 के साथ साथ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, 125 के साथ साथ 135 की भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है। इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मोड कौन सा होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप मोड है वो 125 भी लिख सकते हो और 135 भी लिख सकते हो। ठीक है, 125 एज वेल एज 135 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज है वो सेम हो रही हैं तो आप आंसर करोगे 125 एज वेल एज 135। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या रहेगा रिप्रेजेंटेशन। अब देखो कंपेयर करते हैं आपका, अगर आप सिर्फ इसको मतलब रो टाइप में देखते कि जैसे रहता है ना कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते आप, तो ऑब्जर्वेशन बेसिस पे आपको क्या दिखता, 125 ही दिखता। क्यों, बिकॉज 135 में क्या आ रहा है 21 आ रहा है, बट बाय ग्रुपिंग आप क्या किए, आपको दोनों नजर आ रहे हैं, 125 भी हो सकता है और 135 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि बाय ग्रुपिंग में अपने को क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है, और सिंपली ऑब्जर्वेशन करने पे आपको अलग दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या रहता है, डाउट का सेशन रह जाता है कि कौन सा मेरा मोड हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो आपने पहले जब सिंपली ऑब्जर्व किया था तो 125 को शॉर्ट शॉर्ट बता दिया, बट शॉर्ट शॉर्ट तो वो नहीं है आपका। क्यों, 135 के भी इक्वल चांसेस हैं कि वो मोड बने आपका। ठीक है, तो ये आपको किससे पता लगा, बाई ग्रुपिंग मेथड से पता लगा। तो ये है आपका बाई ग्रुपिंग मेथड, इसका मोड निकालने के लिए। ठीक है ना, तो होपफुली आप लोग समझे होंगे। हालांकि इस टाइप से जब भी आपको डाटा देगा तो मुझे नहीं लगता अगर आपको क्वेश्चन देगा तो वो इस तरह से डाउट में रखेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो आपको क्लियर कट चाहेगा कि कुछ मोड का पता लगे। इधर ये झुक रहा है 135 की तरफ, तो वो डाटा आगे वाले ऐसे देगा कि ये 135 की तरफ ही सेंट्रल टेंडेंसी बने। इस तरीके से आपको ये देखना है। अब देखिए आगे चलते हैं,